जय श्री राम दोस्तों, आप सभी लोगों का फिर से मैं हार्दिक स्वागत करता हूं एक नए वीडियो के अंदर। दोस्तों, पूरे भारत में गायत्री माँ के बहुत सारे मंदिर हैं, बहुत सारे अलग अलग इतिहास भी है उन मंदिरों के पीछे। लेकिन मंदिरों की जब बात होती है तो कभी कभार ऐसा होता है कि कुछ मंदिर ऐतिहासिक होते हैं, कुछ मंदिर ऐतिहासिक नहीं होते। लेकिन मैंने ज़्यादातर देखा है तो ज़्यादातर जो मंदिर होते हैं वहाँ पर सुंदरता काफ़ी होती है। सुंदरता मानी कि वो कला की दृष्टि से भी काफ़ी सुंदर होते हैं और कुदरत के दृष्टि से भी काफ़ी खूबसूरत होते हैं। आप समझ ही पाए होंगे कि कुछ ऐसे मंदिर होते हैं जहाँ पर जाकर आपको आत्मा शांति मिलती है, आपको मतलब आप एक अलग दुनिया में चले जाते हो, आपके मन को शांति मिलती है। तो अब जिस मंदिर के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ और इस वीडियो में हम देखने वाले हैं जिस मंदिर को, वो है गधेथड़ में स्थित गायत्री मंदिर। तो गधेथड़ एक गाँव का नाम है जहाँ पर गायत्री मंदिर बनाया हुआ है। काफ़ी अच्छा लोकेशन है दोस्तों, आपको अब जब वीडियो को देखेंगे तभी आपको महसूस वो हो जाएगा कि मैं क्यों सुंदरता की बात कर रहा था। को दोस्तों, मैंने जहाँ तक इस मंदिर के बारे में जाना है तो मुझे कुछ खास इतिहास के बारे में मुझे मालूम नहीं पड़ा है। लेकिन मैं जब गया था और लोगों से मैंने बातचीत की तो मुझे इतना पता चला कि वहाँ जो है महंत, वो 6 महीने के अंदर, कुछ मतलब 6 महीनों के लिए वो एक कमरे के अंदर चले जाते हैं और इतनी आराधना करते हैं कि वो माता जी से स्वयं बातचीत करते हैं। ये एक अलग सा टॉपिक है। तो हमारे प्राचीन भारत में ऐसे बहुत सारे लोग हो चुके हैं जो माता जी के साथ बातचीत करते रहते थे। तो ये अलग सा एक टॉपिक है कि आखिर वो कैसे करते थे। इसके पीछे भी बहुत सारी वजह होती है, बहुत सारी कला भी होती है, बहुत सारा तप होता है। तो इसके बारे में हम कभी बात करेंगे, लेकिन आज इस वीडियो में मैं आपको इस गायत्री मंदिर को दिखाने वाला हूँ। तो ज़रूर से इस वीडियो में एंड तक बने रहिए दोस्तों। आइए चलते हैं इस वीडियो के अंदर।
मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो देखने में काफ़ी मज़ा आया होगा। तो बस इस वीडियो में इतना ही था, तो मिलते हैं दोस्तों एक नए वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। अस्तु।